गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज डॉक्टर नीलम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस किया था और अभी मैं डिस्कस करूँगी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिसप्लेसमेंट के कारण जो इफेक्ट होते हैं उसके बारे में तो इलेक्ट्रॉनिक डिसप्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से या एक एटम से दूसरे एटम में जाने से जो इफेक्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वह दो टाइप के होते हैं परमानेंट इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्प्ररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसके कारण कुछ इफेक्ट्स होते हैं तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के फोर टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट मेजोमैरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन और टेम्प्रेरी इफेक्ट एक टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम प्रेमिक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं यह एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें आ, कार्बन चैन के साथ जुड़ा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करता है यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर अट्रैक्ट करना या डिस्प्लेसमेंट होना इसे से हम पार्शियली शिफ्टिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का पार्शियली शिफ्टिंग होना होने के कारण यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए अपने से जुड़े हुए और कार्बन से वह इलेक्ट्रॉन लेगा और जिस पर वहाँ पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस प्रकार हम इंडक्टिव इफेक्ट को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर पोलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी डेवलप होना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है और यह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब है यह इफेक्ट फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन तक तो इफेक्टिव रहता है लेकिन फोर्थ कार्बन में इसका इफेक्ट नहीं पता चलता नेग्लिजिबल रहता है हम इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट तो प्लस आई इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें जो भी कंपाउंड जो भी ग्रुप होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए जो अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है प्लस आई इफेक्ट कहलाता है जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट के फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं तो कौन अपने से इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो किसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड को देख सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उसमें से भी ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड है तो उसमें कौन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट्स करेगा तो वह जिसमें जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल होगा लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल होगा इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा तो वह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो इस प्रकार आ, इसके प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी देन ऑक्सीजन ओ माइनस के कंपेयर में अब हम ये देखेंगे कि और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कौन रखता है तो एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ तीन मेथाइल ग्रुप मतलब टर्सरी कार्बन बोल सकते हैं तो उसका प्लस इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद डाई कार्बन से जुड़े हुए दो मेथाइल ग्रुप का उसके बाद कार्बन से जुड़े हुए एक मेथाइल ग्रुप का देन मेथाइल देन हम अगर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात करेंगे तो ट्राइटियम का प्लस इफेक्ट ज़्यादा है देन ड्यूटेरियम का, का देन हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन को हम जीरो भी मान सकते हैं ना ये प्लस इफेक्ट शो करेगा ना ही माइनस आई इफेक्ट शो करेगा अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट वह होगा ऐसा ग्रुप या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग का मतलब है जिस जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है किसी ऐसा कोई भी कंपाउंड या ग्रुप जो किसी भी से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखेगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा अब यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो किए हैं जिसे हमको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमको डायरेक्ट इस ग्रुप के थ्रू ही हमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जैसा कि अब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ठीक है अब यहाँ पर तो समझ आ गया कि नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड से पॉजिटिव चार्ज वाले में ज़्यादा ज़्यादा प्लस आई सॉरी माइनस आई इफेक्ट्स हो करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होगी लेकिन आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि एन आर थ्री और एन एस थ्री एन आर थ्री आर एल्काइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो इस अगर एक कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि यहाँ पे एन आर थ्री का ज़्यादा है और एन एस थ्री का न, कम है तो इसका कारण क्या है एन आर थ्री में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन और कार्बन के बॉन्डिंग के बीच तो जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो अपने और इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा नाइट्रोजन किसके कंपेयर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा जिसके कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़े टाइम के लिए इसकी ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है तो इस कारण अगर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं कि अब थोड़े देर के लिए तो हो गया कि नाइट्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने के कारण यह ज़्यादा जा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया इस कारण इसकी डेफिशिएंसी बनी रहेगी लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में थोड़े टाइम से थोड़े टाइम के लिए इसकी डेफिशिएंसी थोड़ी फुलफिल हो जाती है इस कारण से एन पॉजिटिव चार्ज का इसका प्लस माइनस इफेक्ट ज़्यादा होता है एन के कंपेयर में देन हमको ये भी पता रखना है कि एनो टू ग्रुप का माइनस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है देन एसो टू आर का होता है देन साइनाइड देन एल डी हाइड देन एल एसिड कार्बो एल डी हाइड का देन कार्बोक्सिलिक एसिड देन फ्लोरिन देन क्लोरिन देन ब्रोमिन देन आयोडीन अब यहाँ पर देखिए ओ आर एल्कोक्साइड और यहाँ पे ओ एच यहाँ पे ओ आर में भी ऑक्सीजन और कार्बन है उनके बीच सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच लगा था और यहाँ पे ओ और एच के बीच इस कारण ओ आर का माइनस आई इफेक्ट -E ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओ एच देन एसिटिलीन का देन अमीन का देन ये याद रखिए यहाँ पे फेनिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है देन यहाँ पे इथिलीन अब ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एनो नाइट्रो ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन आई इफेक्ट हो करता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पे देखिए सेकेंड में भी एनओ टू है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पे एनओ टू भी लगा हुआ है और सी ओ ओ भी लगा हुआ है तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा उसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे देखिए कार्बन से तीन मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इसमें ज्यादा है तो तीनों कार्बन की ओर डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है नो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अब इंडक्टिव का इफेक्ट का काम क्या है इंडक्टिव इफेक्ट से हमको क्या-क्या चीजें पता चल जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट से हमको बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ और बहुत सारे स्टेबिलिटी uh, के बारे में पता चलेगा जैसे फर्स्ट है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी की एसिडिटी हम कैसे पता करते हैं कि वो कितने आसानी से एच प्लस आयन डोनेट करे जितना ईजिली वो एच प्लस आयन डोनेट करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा और एच प्लस आयन डोनेट करने के बाद जो भी स्पीसीज नेगेटिव चार्ज वाला बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी वह मोर एसिडिक नेचर शो करेगा और डिपेंड क्या चीज़ कर रहा है यहाँ पे जिस एसिडिक स्ट्रेंथ का डिपेंडेंस है प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज होगा उसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इस प्रकार जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट्स हो करने वाला ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज स्पीसी से जुड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपाउंड में सी एच टू सी ओ ओ एच ये सभी में तीनों में दिया हुआ है और साथ में एक में आपका एनो टू ग्रुप जुड़ा है एक में फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा है एक में मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए कि माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा शो कौन करता है एनो टू तो एनो टू माइनस हाईफेक्ट ज्यादा शो करने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि जब यहाँ पे सी ओ ओ से एच प्लस निकल जाएगा और यहाँ पे सी ओ ओ माइनस रह जाएगा तो माइनस को इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना तो उसको अपनी ओर नाइट्रो ग्रुप खींचेगा जिससे स्टेब्लाइज हो जाएगा या स्पीसीज उसी प्रकार फ्लोरिन सबसे ज़्यादा तो एनोटू में हो गया उसके बाद फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा उससे कम सेकेंड वाले में और जो तीसरा है मेथाइल या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये डिस्टेबलाइज करेगा उस स्पीसीज को तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ जैसा एसिडिक स्ट्रेंथ में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप उसको प्रोपोर्शनल था उसी प्रकार से बेसिक स्ट्रेंथ में प्लस आई इफेक्ट वो कैसे कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं किसी भी कंपाउंड का कितने आसानी से वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है जितने आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल में देखिए सी एस थ्री एन एस टू ये मेथाइल अमीन है तो मेथाइल अमीन नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऊपर से मेथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा और कंपेयर करते हैं हम अमीन से तो अमीन में कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन uh, रिलीजिंग भी नहीं है ना ही इलेक्ट्रॉन डोन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है तो कंपेयर टू अमीन और मेथाइल अमीन मेथाइल अमीन मोर बेसिक स्ट्रेंथ रखता है अब यहाँ पर सेकेंड में देखिए आप अमीन के साथ एनिलीन uh, एनिलीन में जो फिनाइल ग्रुप है फिनाइल ग्रुप का भी हम देखे थे कि वह माइनस है इफेक्ट्स करता है तो हमको तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी देखनी है पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का तो जो बेंजिन रिंग रहेगा वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और रेजोनेंस करेगा जिसके कारण से यह नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री नहीं रह पाएगा इस कारण से यहाँ पे अम, अमीन अमीन का अ, अमोनिया सॉरी अमोनिया का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा और एनिलीन का कम तो अमोनिया का आ, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू एनेलिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि कार्बो कैसा स्पीसीज है कार्बो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है अब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर वह कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वह इलेक्ट्रॉन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी घटेगी तो इस प्रकार अगर कोई भी कार्बोकैट आयन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना जुड़ते जाएगा बढ़ते जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए मेथाइल

जितना ज्यादा होगा उससे जुड़ा हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसी प्रकार कार्ब एन आयन में जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी और प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी घटेगी जैसा कि यहाँ पे कार्ब एन आयन है ठीक है तो कार्ब एन आयन में नेगेटिव चार्ज है अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ते जाएगा जिससे ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप है जुड़ा हुआ तो इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी ओर खींचेगा जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम कार्बो uh, कैटाइन की तरह होती है जितना ज्यादा इफेक्ट बढ़ेगा उसका स्टेबिलिटी uh, भी बढ़ेगी न डायपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है माइनस आई इफेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा थैंक यू